आपकी क्या राय है? संजीव बालियान जी मुजफ्फरनगर से जो मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बना दिया जाए। वैसे वो देंगे तो अच्छा ही बयान देंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार है जो सोचती है हित के लिए सोचती है, सबके लिए सोचेगी। मेरे राय में बालियान जी का बयान बिल्कुल सही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग से राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक काफ़ी बड़ा प्रदेश है। मुजफ्फरनगर सहारनपुर से देवरिया तक बहुत लंबी दूरी हो जाती है। अलग राज्य बना दिया जाए, अलग राज्य को लेकर बड़ा क्षेत्र है, उसमें तो कार ठीक ठाक चलेंगे। पहले अजीत चौधरी ने भी कई बार ये मुद्दा उठाया है अलग राज्य का। मंत्री संजीव बालियान जी ने बयान दिया था कि अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया जाए, तो आपकी क्या राय? बिल्कुल सही राय है, उनकी राय में मैं उनसे सहमत हूँ। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ है। ऐसे ही कई छोटे छोटे राज्य होते हैं जो समृद्धि होती है, विकास होता है, पर्यटन की व्यवस्थाएं रहती हैं, कर कम लगता है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि अगर संजय बालियान जी की जो मांग है उसको केंद्र सरकार कार्यान्वित करे। हमारी राय ये है कि अगर ये प्रदेश अलग बन जाता है तो हम लोगों को बहुत सारी सुविधा मिल जाएंगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमाता है और पूर्वांचल खाता है। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी खुशखबरी की बहुत ही अच्छी, बहुत ही हमारे बच्चों के लिए, हमारे मिलने वाले हमारे गरीब भाई जितनी भी जनता है इनको सबको काम रोजगार मिलेगा, आगे जाएगी हमारी वेस्टर्न यूपी के और वैसे भी नाम है पर नाम होते सोते है। ये तो बहुत अच्छे विचार है उनके, हमारी तरफ उन्हें हमारी जनता की तरफ तो बहुत अच्छा है और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी है और हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये होना चाहिए। अलग राज्य बना दिया जो है, हाँ ये उन्होंने जो कहा है वो सही है, ये उन्होंने कहा है वो सही है, ऐसा होना चाहिए कि अलग राज्य बनवा दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात, मंत्री जी ने जो कहा है सही बात। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग स्टेट बनता है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादातर जनता के लिए रोज़गार ज़्यादा मिलेंगे, रोड चिकित्सालय और कॉलेज वगैरह इनके भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। ज़्यादा बड़ा प्रदेश होने के कारण प्रदेश में अच्छी तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। मेरा तो यही सुझाव है कि सरकार से ये निवेदन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, जिससे जनता के बीच जो विकास सरकार दे रही है वो सही तौर से मिल नहीं पा रहा है। मेरी राय है कि जब छोटा राज्य होगा तो विकास ज़्यादा होगा। शिक्षा है, चिकित्सा है, जो भी जन सुविधा है वो ज़्यादा मिलेगी। देखिए, बड़ा प्रदेश देखना, बड़ा परिवार को देखना, जैसे परिवार अगर बड़ा होता है तो एक मुखिया को परिवार संभालना मुश्किल हो जाता है, तो मुखिया उस परिवार को धीरे धीरे डिवाइड करके इस तरीके से व्यवस्था करता है सबकी व्यवस्था होके रहे। इसी हिसाब से अगर हमारा पश्चिमी प्रदेश अलग हो जाएगा तो हमारा मुखिया प्रदेश को संभल के देख पाएगा, उसकी व्यवस्थाएँ बढ़िया हो जाएंगी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनता है तो उसमें एक तो विकास की प्रगति भी बढ़ेगी और प्लस शिक्षा की भी प्रगति बढ़ेगी, प्लस हमारा जो जनसंख्या वो भी अलग डिवाइड हो जाएगी, उससे आगे की प्रक्रिया भी और बढ़ेगी और मजबूती भी और बढ़ेगी। जब ये हटा दिया जाएगा तो फिर इसमें थोड़ा सा विकास बढ़ेगा। जब छोटा सा राज्य हो जाता है तो कहीं भी सही उसका विकास बढ़ जाता है, और जब विकास होगा तो परिस्थिति का सामना करना नहीं पड़ेगा मनुष्य को, और क्या है। अच्छी बात है, जनता को सब सुख मिलेगा, सब उन्नति होगी, खेती बाड़ी की उन्नति होगी, सड़कों की उन्नति होगी और यातायात उन्नति होगी। हमारी राय ये कि अगर छोटा राज्य होगा तो बहुत अच्छी सुविधाएँ मिलेगी, छोटे बच्चे नाबक घूम रहे हैं वो पढ़ने को अच्छी शिक्षा उनको मिल जाएगी और जो सुविधाएँ आती हैं उनको मिल जाएगी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य अगर उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया जाए, मतलब दो भागों में बटेगा, तो उसमें सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, सड़क है, गांव का है, इनमें खेल और वो चिकित्सा वगैरह सरकारी और सुविधाएं अधिक से अधिक मिलेंगी। अलग राज्य बनाने की बात अलग हुई है तो बहुत बढ़िया है, विकास होगा, छोटा होगा ज़्यादा आएगी,
और सब काम होंगे, छोटे में ज़्यादा सुविधा मिलती है, ज़्यादा बड़े में कम सुविधा मिलती है। उत्तर प्रदेश का अलग राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या राय है? निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, और यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कटता है तो कई विकास के रास्ते खुलेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं इस बारे में सहमत नहीं, क्योंकि हमारा एक उत्तर प्रदेश शुरू से जो है पश्चिम से लेकर और पूर्वी सिरे तक एक दूसरे से आपस में जो है बंधा हुआ और एक प्रेम और सद्भाव की जो है भावना है, और जिससे जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया जाएगा तो हम लोग कुछ जो है उसको अछूता महसूस करें। और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है अगर बंटवारा हो जाता है वहाँ नक्सलवाद की स्थिति ज़्यादा पैदा होती है। उत्तर प्रदेश का अलग राज्य बनना चाहिए, क्या राय है? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों को विभाजित किया जाए, इसके मैं पक्ष में, क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो मेरी व्यक्तिगत मांग है बिल्कुल बनना चाहिए। वैसे तो बहुजन समाज सरकार बहुत कुमारी मायावती सरकार के जिसमें उत्तर प्रदेश के चार हिस्सों में बांटा जा रहा था, और इसके बांटने से निश्चित तौर पर विकास होता, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्या राय है? देखिए, ये इस देश का एक ऐसा गंगा घाटी का प्रदेश है जिससे कई बार काट करके और नए प्रदेश को उत्तराखंड में बनाए गए, हाल ही में। मुझे लगता है कि जितना उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ है, ऐसी स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की मांग करना बिल्कुल गलत है। क्या यही है कि हो जाए, सबका विकास होगा, हर गांव का विकास होगा, हर जिले का विकास होगा? हाँ, बिल्कुल सर, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि इसके दो हिस्से हो, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, इसकी देख रेख सही है। भैया जानना चाहेंगे, संजीव बालियान ने अभी कहा था कि इस उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े होने चाहिए, क्या कुछ मानते हैं आप? वैसे जो संजीव बालियान जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब हमारे प्रदेश के इससे पहले भी तीन टुकड़ों में बंटवारा हुआ था, अगर हमारा प्रदेश दोबारा का बंटवारा होता है तो छोटा हो जाएगा, उससे विकास की गति तेज होगी। जैसे उत्तराखंड में विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है, इस प्रकार अगर हमारा प्रदेश दो भागों में बढ़ेगा तो निश्चित तो होगा होना चाहिए, टुकड़े नहीं होना चाहिए, और बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा बजट मिलता है। भैया जानना चाहेंगे, अभी कुछ दिनों पहले एक सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने मतलब समर्थन करा था कि उत्तर प्रदेश के दो टुकड़े हों, पश्चिम अलग राज्य बने, तो क्या कुछ मानते हैं आप उसमें? इसमें ऐसा होगा कि दो राज्य बन जाएंगे तो फिर जनता को भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी और काफ़ी कुछ लाभ होगा, इसलिए जो भी फैसला है काफ़ी अच्छा कुछ है। शायद प्रदेश दो हिस्सों में बढ़िया आएगा तो उससे जो विकास कार्य भी अच्छा होगा, जो प्रदेश को बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो है पूरा एक देश मान लो आप, इस समय इतना बड़ा प्रदेश है, तो उससे में जो बढ़ जाएगा उससे काफ़ी लाभ होगा। मैं ये विकास कार्य ज़्यादा नहीं हो पाते, योजनाएं ज़्यादा नहीं हो, मतलब सफल तरीके से प्रभावी नहीं हो पाते। और पहले मायावती ने भी ये मुद्दा उठाया था चार प्रदेश बनाने का, लेकिन अब दो प्रदेश बनाने का हो रहा है, तो मानते हैं आप उससे फ़ायदा होगा? भैया जानना चाहेंगे, जैसे बीजेपी के एक सांसद ने अभी कुछ कहा था कि मतलब प्रदेश के दो टुकड़े होने चाहिए, पश्चिम एक अलग राज्य बनना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? दो राज्य में अभी ज़्यादा फायदा है, डबल राज्य में ज़्यादा फायदा, क्या कुछ फायदा होगा? ये फायदा होगा, डबल विकास होगा हमारे देश का, विकास ही अलग राज्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राज्य जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनको इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। उत्तराखंड बन गया तो इससे कौन सा विकास हो गया, न उत्तराखंड का हुआ न यूपी का हुआ। ये पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी ये कुछ नहीं होना चाहिए, केवल उत्तर प्रदेश होना चाहिए और उत्तर प्रदेश ही अच्छा है, बिना मतलब खंड खंड करने के से क्या फ़ायदा होगा। और तब उत्तर प्रदेश में जब योगी जैसे मुख्यमंत्री हों तो बहुत ही अच्छी बात है। बुंदेलखंड में 13 जिले आते हैं जिसको लेकर के कई बार मुद्दे उठाए गए अलग राज करने के लिए, यहाँ पर कई बार लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उनसे लिख
करके लेटर भी भेजा है और यहाँ से कई लोग काम के लिए बाहर जाते हैं। अगर अलग राज्य हो जाएगा तो लोगों को यहाँ पे काम मिलेगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे, इससे काफ़ी राहत मिलेगी। मैं कहीं पश्चिम चाहे और बुंदेलखंड दोनों राज्यों को अलग अलग बनाने की यानी कब से मांग उठाई जा रही है। हालांकि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ उसके कुछ समय बाद ही पश्चिम राज्य के पहले बुंदेलखंड राज्य को अलग बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन बुंदेलखंड राज्य ही नहीं अलग। पश्चिमी यूपी को जहाँ तक कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से अलग करने से कोई बड़ा कुछ काम नहीं हो पाएगा। अपना कुछ कोई बड़ा ही जरूरी चीज़ है, क्योंकि आप देखते हैं पहले ही हमें उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया है, तो उतना बिना उत्तराखंड में डेवलप है कुछ भी। अलग राज्य की जो मांगें हो रही हैं अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, लोग ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा मुद्दा उठाएं जिसके कारण हमारा एक अपना ग्राफ बढ़े, तो क्षेत्र के नेता इस प्रकार से हलाप करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश को तोड़ने की जरूरत इसलिए नहीं है, उत्तर प्रदेश वैसे भी 425 सीटों से 450 सीटों में रह गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की जो मांग उठ रही है वो निराधार है, क्योंकि देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश इतना डेवलप है, कृषि क्षेत्र में भी डेवलप है और है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी डेवलप है, नोएडा है, गाजियाबाद है और मथुरा है, यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं और नोएडा तो आई टी उद्योग के लिए ही फेमस है, तो ये मांग निराधार है। अगर उत्तर प्रदेश में अलग राज्य बनाना चाहिए तो हमारे बुंदेलखंड को भी बनाना चाहिए। किसी भी तरीके से छोटे छोटे राज्यों का समर्थन नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे राज्यों के मांग को उठाया तो जा सकता है राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन उनका विकास अब नहीं होता है। बुंदेलखंड राज्य की मांग वर्षों से हो रही है, लेकिन बुंदेलखंड राज्य का निर्माण इसीलिए नहीं हुआ। यूपी अलग राज्य बनता है तो एक सुंदर और बढ़िया राज्य होगा, क्योंकि कहानी क्या है कि अभी एक राज्य उत्तर प्रदेश हमारा इतना बड़ा है कि एक मुख्यमंत्री नहीं देख पाता। जब हमारा दो राज्य हो जाएंगे तो दोनों में अलग अलग सुविधाएं होंगी और सुविधा के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को रोजगार भी अलग मिलेगा और सोसाइटी भी अच्छी होगी। उत्तर प्रदेश अलग राज्य अवश्य बनना चाहिए, इसका विकास अभी हो सकता है जब अलग राज्य बने और मुख्यमंत्री अलग हो। नहीं, अलग राज्य बनना चाहिए, अलग राज्य बनने से एक तो प्रशासन जो है वो सख्त होगा, इसके अलावा शिक्षा भी तब भी सुधरेगा और विकास होगा। सर, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए? नहीं, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल अलग बनाना चाहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, उसके मेरे हिसाब से तो तीन टुकड़े होने चाहिए और जो छोटे छोटे राज्य होंगे तो उनकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होती है, प्रशासन बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करता है। देखा जाए तो पंचायत तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा तो राज्य जाता है, तो अगर ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो इसका विकास में भी हमें फायदे मिल जाएंगे। मेरी राय ये है कि उत्तर प्रदेश को निश्चित रूप से बंटवारा करके अलग कर देना चाहिए और ये अलग राज्य बनना चाहिए। आज मुख्यमंत्री को पता नहीं होता 75 आदमियों कौन की है, कौन सी जगह है, जब चार हिस्से हो जाएंगे प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास होगा, सबसे ज़्यादा पैसा आएगा, सबसे ज़्यादा विकास होगा। सर ये बताइए, पश्चिम यूपी को अलग राज्य बनना चाहिए? अलग राज्य बनना ही चाहिए, पहले की मांग उठती है। मायावती का भी ये कहना कि राज्य का बंटवारा कर जाए, और भी चौधरी अजीत सिंह का भी कहते कहना ये रहेगा कि पश्चिम प्रदेश में बात बनना चाहिए, ये जिले तो बनने ही चाहिए। और एक बार मायावती ने भी बात उठाई कि उत्तर प्रदेश को चार जिलों बांट दो, चार प्रदेशों बांट दो, कोई बड़े यहाँ चार मुख्यमंत्री होते अक्सर एक चाहे वो करें। उत्तर प्रदेश में अलग राज्य की मांग चल रही है, क्या राय? अलग राज्य की मांग चल रही है, लोग कह रहे हैं, अगर मैं आपसे आपकी विवाह राय जानना चाहूँ। नहीं, ये सरासर गलत है, हम इसके समर्थन में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हो तो हमारे डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय आदित्यनाथ योगी जी, तो दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा उत्तर प्रदेश को लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा विकास चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार अलग राज्य की मांग हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारा राज्य जो कि जैसे ट्रेन में डबल इंजन लेकर ट्रेन चलती है,
उस तरह से विकास कर रही है और हम ये अपने राज्य को लेकर बहुत सहमत हैं। और हमारे जो कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और आदित्य योगीनाथ जी जो कार्य कर रहे हैं, इससे बिल्कुल सहमत हैं और काफ़ी अच्छा विकास हो रहा है। देश बहुत बड़ी जनसंख्या है, इस जनसंख्या और आबादी के हिसाब से इसको पूर्वांचल भी बनाया जाए, पश्चिम प्रदेश भी बनाया जाए और प्रांत भी बनाया जाए। चूँकि यह जितना छोटा प्रदेश रहेगा उससे ज़्यादा इसकी विकास की प्रगति वह आगे रहेगी। देखिए, अगर विकास के गति में आगे ले जाना है इसको जो है अलग बना देना चाहिए, क्योंकि अगर कम संख्या होगी, क्षेत्रफल कम होगा उसका, तो विकास की गति और तेज़ी से होगी। जहाँ तक हमारा विचार है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बांट देना चाहिए, अलग राज्य बना देना चाहिए, इसलिए कि जब राज्य छोटा होगा तो उसका विकास भी प्राथमिकता के आधार पर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि जैसे यूपी से कट के उत्तराखंड हो गया तो उसका विकास हो रहा है, और वही मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार से कट के झारखंड हो गया, तो वह जो है विकास उसका हो रहा है प्राथमिकता के आधार पर। भाई संजीव बालियान जी ने अगर ये सुझाव दिया है तो हमारे प्रदेश की भलाई के लिए दिया है, अच्छी बात है, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। अगर हमारा अलग प्रदेश बनेगा तो थोड़ा आबादी कम होगी और हमें सहूलियतें मिलेगी। नहीं, संजीव बालियान जी ने जो बयान दिया है अभी हालिया दिनों में, मैं उनकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे को पिछले कई वर्षों से उठाती रही है, और आज जब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी सरकार में बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो अपनी सरकार से कह के इसको फोरम से पहले करा दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो नया राज्य घोषित करने की मांग है, कहीं मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि आप देखिए जब जो है क्षेत्रफल सीमित हो जाता है तो कहीं उसमें रोजगार के साधन अच्छे होते हैं और राजस्व में वृद्धि होती है, और सबसे बड़ी बात उसका जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो आसानी से हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो दूसरा राज्य घोषित करने की बात की जा रही है उसका मैं पूरा समर्थन करती हूँ, क्योंकि आप जहाँ पे देखेंगे जहाँ का क्षेत्रफल छोटा होगा वहाँ पर औद्योगिक व्यवस्था जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, और साथ ही क्राइम पर कंट्रोल होगा, वहाँ रोजगार के जो है चीज़ें बढ़ेंगी, और हमारे जो युवा लोग हैं उनके लिए काफ़ी कुछ रोजगार भी होंगे, और मैं ये कहूँगी पूरा समर्थन करती हूँ। जी, बालियान जी ने जो बयान दिया है वो ज़्यादातर सही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये अलग करना भी चाहिए। युवाओं में रोजगार का पूरा महत्व आएगा, रोजगार बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। है ये उनकी अपनी बालियान जी की स्वयं का अपना विचार है, और देश में उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, और बड़े प्रदेश के साथ साथ हम लोगों की मांग यही है, मैं खुद मेरठ से निवासी हूँ, बड़े प्रदेश है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाग अलग कर दिया जाए, तो इधर NCR से शुरू करके दिल्ली के साथ मिल करके हम लोग युवाओं को और रोजगार मिलने का काम उत्तर प्रदेश के पश्चिम प्रदेश को प्राप्त होगा, और ऐसी मांग हमारी भी है और मैं मानता हूँ जनता की भी मांग यही रहेगी। देखिए, हमें कोई भी राज्य अगर बना रहा है तो हमें उसमें कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, मगर जहाँ हमारे बुंदेलखंड की बात है तो बुंदेलखंड हमारा जो राज्य खनिज संपदा से पूरा वो भरा हुआ है, जिसका जो है जो वहाँ पूरा जो है भारत देश कर रहा है, मतलब सगले जो है हमारे यहाँ जो है जो पत्थर भी जा रहे हैं यहाँ से, और जो हमारी बालू खनन हो रहे हैं पूरा उसका दुरुपयोग बाहर कर रहे हैं लोग उसका, ठीक है, उससे उनको उनका वो हो रहा है विकास हो रहा है, यहाँ पे जो व्यवस्था है यहाँ पर सब पूरी व्यवस्था है। हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने को लेकर, इसके बारे में अभी कह रहा है हमको पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, हमारी मूल मांग है, हमारा पुराना आंदोलन चल रहा है बुंदेलखंड राज्य अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कह रहा है हमको
कोई आपत्ति नहीं पश्चिम की राज्य बनाने के, लेकिन हमारा, हम लोगों को हमारा बुंदेलखंड अलग बनाया जाए राज्य। ये भी बात उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए मांग की। तो ये मांग कहाँ तक जायज है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्या क्या फायदे होंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य की पृथक मांग इसलिए जायज प्रतीत हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा प्रदेश मानते हुए उसको विभाजित करने के लिए भाजपा पार्टी खुद ही आगे बढ़ रही है, और इसलिए बढ़ रही है। दूसरी बात, पश्चिमी उत्तर और प्रदेश को दो या भाग तीन भागों में बांटने की तैयारी चल रही है, तो जब भाजपा सरकार ही आगे चल रही है तो फिर इसमें जायज नाजायज का प्रश्न कहाँ होता है? देखिए, हमारे तो स्पष्ट राय है कि छोटे छोटे राज्य होंगे तो उनका विकास होगा। अगर पूरी यूपी को इस तरह हम अगर टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे तो यूपी में बचेगा क्या? ये तो पहले से हमारा बुंदेलखंड मांग चल रही है, बुंदेलखंड, क्योंकि जो राजस्व आम नहीं है, जो वो बड़ा क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है, आज तक की उसकी मांग पूरी नहीं हुई। दूसरी मांग पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग की जा रही है, तो बढ़ जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की गई है, क्या ये सही है कि? देखिए, ऐसा है कि अभी भारत में पश्चिम उत्तर प्रदेश को राज्य बनाने का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, निश्चित रूप से उन्होंने वहाँ की परिस्थिति और स्थिति को देखकर उठाया। देखिए, राज्यों का आकार कितना हो, कितना छोटा कितना बड़ा हो, ये पूरा शासन की नीति के आधार पर तय किया जाता है। शासन चाहता है बड़े बड़े राज्य रहें तो रहता है, बड़ा राज्य रहेगा। यदि उनकी नीति है कि नहीं छोटे राज्य बनेंगे तो उससे विकास होगा, कई तरह के जनता को फायदे मिलेंगे, उस नीति पर उनको छोटा कई पार्ट में किया जा सकता है। राज्यों के पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है, आबादी के हिसाब से राज्य पुनर्गठन होता रहा है और होना भी चाहिए। अगर पश्चिम में मांग है तो वहाँ के क्षेत्र लोग मांग है, उनको लगता है कि राज्य पुनर्गठन होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के पश्चिम इलाके को अलग करने की मांग की, तो मांग जायज है, क्योंकि जब छोटा प्रदेश होगा तो वहाँ डेवलपमेंट होगा, अपनी खुद की व्यवस्था होगी। लेकिन अब सोचना ये भी होगा ना कि उनके पास राज्य को चलाने के लिए संसाधन क्या है। के पास मतलब समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग बनाए जाने की मांग की, इसका क्या कहना है? ये बहुत अच्छी मांग है और मैं सरकार से मांग करता हूँ, ऑल इंडिया पसमंदा समाज की तरफ से, कि उत्तर प्रदेश को अलग राज्य में बांटा जाए। अच्छी बात है, होना चाहिए उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में डिवाइड होना चाहिए, बड़ा प्रदेश है, आबादी और लैंड वाइज भी एक बड़ा प्रदेश है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आबादी ज़्यादा है तो यहाँ के कारोबार को और यहाँ की जनता की कारोबार का रोज़मर्रा का कमाने खाने का सिस्टम है, उसमें भी एक बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, जब कोई राज्य बनता है, अलग राज्य बनता है, तो उस राज्य के लिए तो फ़ायदा होता है, वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा होता है, लेकिन हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए अलग राज्य बनना फ़ायदेमंद है या नहीं, देश के लिए अलग बनना फ़ायदेमंद है या नहीं, ये राष्ट्र हित में या प्रदेश हित में है या नहीं, देश की सरकारें तय करेंगी। राज्य का जहाँ तक सवाल है, आबादी के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि एक सीएम है उत्तर प्रदेश में और घनी आबादी है, तो एक प्रदेश और राज्य अलग राज्य होना चाहिए या नहीं? जी तो होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कि पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश था, जिसको आधा चाइना ने दबा लिया, आधा नेपाल ने दबा लिया, आज महाराष्ट्र कहता है कि हमसे छोटा है वो, तो फिर क्यों छोटा और होना चाहिए, बल्कि बड़ा ही रहना चाहिए। अलग राज्य बनाया जाता है तो यह पूर्वांचल का विकास और पूर्वांचल की नई रेखा तय करेगा, जिस प्रकार छोटे छोटे जिले और छोटे छोटे
वो बना के ग्राम सभाएं बनाकर उनका विकास किया जाता है, उनका उत्थान होता है, नगर पालिकाएँ बनाई जाती हैं, उनकी विकास के प्रति में उनको खड़ा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, तो छोटा छोटा जो जिला है वो प्रदेश बन जाएगा तो विकास जो है बहुत ज़्यादा। अलग राज्य बनना चाहिए या नहीं? जी हाँ, बनना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब हमारा दो प्रदेश हो जाएगा तो दोनों में विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि बंटवारा हो जाएगा, हमको बजट मिलेगा जो वो बराबर बराबर मिलता है। इसलिए मेरे छोटे क्षेत्र में जब हो जाएगा मेरा प्रदेश विकास ज़्यादा। प्रदेश अलग राज्य होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है आबादी जो होती है पंचायत वहाँ ज़्यादा है, इसलिए एक तरफा वहाँ जो है अन्य बिरादरी है वो जो है पंचायत हो जाएगी, दो राज्य। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दो हिस्से पहले से हो चुके हैं, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, और इसमें अगर सीट कम हो गई तो बाहर की कंपनियां आकर इसमें जो है अपना वो नहीं करेंगी, इंटरफेयर नहीं करेंगी, इसलिए उत्तर प्रदेश बढ़ेगा नहीं। जब तक कि बाहर की कंपनियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी तब तक ये उत्तर प्रदेश बढ़ेगा नहीं, इसलिए इसके दो राज्य और नहीं बनने चाहिए। राज्य होंगे उससे ज़्यादा उस राज्य के जिले विकसित होंगे। उत्तर प्रदेश में 72 से अधिक जिले हैं और ऐसे में जो सरकारी योजनाएं हैं वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाएंगी, इसलिए बिल्कुल पश्चिमी जो यूपी है तो काटे बनाना चाहिए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण बहुत सी योजनाएँ हैं जो जमीन स्तर पर लागू नहीं हो पाती। अगर यूपी को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा लोगों को के रोजगार जो है वो रोजगार का फायदा होगा, प्लस साथ ही विकास भी होगा, क्योंकि जब एक छोटे से एरिया को वही अधिकारी और उस पर बैठे नेता हैं वो देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से विकास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पहले दो राज्य हमारे देश को डिवाइड कर हमारे देश को डिवाइड करके दो राज्य बनाए जा चुके हैं, एक उत्तराखंड एक उत्तर प्रदेश। अब अगर इसको और टुकड़ों में तोड़ा जाएगा तो इससे आने वाली आगे आने वाली समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम कंपनियों का होगा या पॉपुलेशन कम रहेगी तो इन्वेस्टमेंट होगा, गलत होगा। ये हमारे देश के और हमारे उत्तर प्रदेश के हित में अच्छा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ उत्तर प्रदेश दो पार्ट में बैठे, क्योंकि आप यह जानते हैं कि पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और विकास कार्य यहाँ पर ना के बराबर थे। जब से उत्तराखंड अलग हुआ है काफ़ी विकास कार्य वहाँ पर हो रहे हैं। इसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश दो पार्ट में बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो तरक्की का पैमाना है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। जिस तरह से जिला बना तमाम छोटे छोटे ज़िले बना दिए गए, उसमें अधिकारी बैठने के लिए तमाम संसाधन की ज़रूरत आती है, भवन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यदि राज्य बना दूसरा तो उसके लिए भी तमाम संसाधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तमाम बिल्डिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तमाम अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो तमाम चीज़ों का उल्टा फेर होगा, तमाम जैसी चीज़ें होंगी जो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, अलग राज्य उत्तर प्रदेश को तो बांटने के लिए तो मायावती ने भी प्रस्ताव पास कर दिया था, अखिलेश सरकार ने भी प्रस्ताव पास कर दिया था, चार राज्यों के लिए तो प्रस्ताव पास ही है, और अभी सरकार इस पे पता नहीं क्या कर रही है और क्यों नहीं अभी तक इसको मूर्त रूप दिया गया। उत्तर प्रदेश को में चार राज्य बनाने के लिए मायावती जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने पहल किया था, वो ठंडे बस्ते में हो गया, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश ये सब था, उससे ये होगा वहाँ का विकास होगा। संजीव बालान जी ने उत्तर प्रदेश को वेस्ट यूपी को एक अलग दर्जा बनाने की मांग की है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत इस कथन का बहुत स्वागत करता हूँ। और ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के वेस्ट के लोगों को पहले से ही मांग रही है, लेकिन इस मुहिम को तेज नहीं किया गया। मैं ये वास्तविकता में एक अच्छा यानी कि एक अच्छा प्रश्न है, अच्छा विषय है, क्यों अगर राज्य छोटा होगा तो कहीं ना कहीं यह उसके विकास के लिए एक अच्छा माध्यम बनेगा, क्योंकि भाई जैसे उत्तर प्रदेश का अगर परिसमन को देखें तो उत्तर प्रदेश 75 जनपदों का एक है, अगर यही राज्य कुछ यानी कि अलग अलग उसमें छोटे छोटे जनपदों में बांटा जाएगा तो कहीं ना कहीं जाकर एक विकास का की धारा मिलेगी। ये होना चाहिए कायदे में, राज्य को बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतने कई
राज्य बनेंगे। लेकिन ये जो बीजेपी के लोग बालियान जी का बयान है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। इन्हें आज कितने दिन हो गए सरकार में बने हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उस दिन से इन्हें राज्य याद नहीं आया। ये पब्लिक को धोखा देने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और 2024 में आने वाला चुनाव कांग्रेस का होगा।